सभी का हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महज 100 रुपए के लिए युवक ने पेचकस से गोदकर की हत्या, फिर पत्थर से कुचल दिया चेहरा। विकलांगों ने ठाना है नारी को सम्मान दिलाना है, बेटी बचाओ योगी जगाओ के नारे के साथ जागरूकता अभियान शुरू किया गया। दिन दहाड़े महिला चिकित्सक की गला रेतकर हत्या की गई। उत्तर प्रदेश में बरेली की आंवला थाना पुलिस ने लल्लन हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त पेचकस बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया। मीडिया के सामने पेश हुए आरोपी सुमित ने घटना को स्वीकार करते हुए खेद जताया है। हत्या का खुलासा करते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि बीती 15 तारीख को करुआताल निवासी लल्लन की पेचकस से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसका शव गांव के बाहर जंगल में पड़ा मिला। लल्लन के परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने जब तफ्तीश आगे बढ़ाई तो नया तथ्य प्रकाश में आया। एसएसपी ने बताया कि महज 100 रुपए के लिए लल्लन की हत्या सुमित नामक युवक ने की थी। पैसे की जरूरत में लल्लन ने सुमित के पास अपना एक मोबाइल फोन 500 रुपए के लिए सुमित के पास गिरवी रखा था। उस समय लल्लन ने सुमित से 400 रुपए लिए थे। 100 बाद में देने की आम सहमति पर दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद जब लल्लन ने सुमित से 100 रुपए मांगे तो दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद सुमित ने मोबाइल ठीक करने वाले पेचकस से ही लल्लन की हत्या कर दी और शव को जंगल में ले जाकर फेंक दिया। इतना ही नहीं, सुमित ने लल्लन की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को भी पत्थर से कुचल दिया था। महज 100 रुपए के लिए हुई हत्या अनावरण करते हुए पुलिस ने आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां छठ पर्व के तीसरे दिन व्रती महिलाओं ने डूबते सूरज को अर्घ देकर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की, तो वहीं परिवार के लोगों ने भी अर्घ देकर दुआ मांगी। दिवाली के छठे दिन पड़ने वाले इस त्योहार की ऐसी मान्यता है, व्रती महिलाओं को संतान की प्राप्ति होगी और परिवार में सुख समृद्धि आएगी। बिहार सहित पूरे पूर्वांचल में जहां छठ पूजा की धूम है, वहीं चंदौली जिले के सैदराजा में भी छठ पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया। कहीं भी कोरोना को लेकर सतर्कता नहीं देखने को मिली और प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते नहीं देखने को मिला। यहां जिला प्रशासन की ओर से एक दर्जन से अधिक स्थान छठ पूजा के लिए निर्धारित किए गए। इन स्थानों पर व्रती महिलाएं अपने पुत्र और परिवार की मंगल कामना के लिए भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर रही है। छठ महापर्व व्रती महिलाओं ने दिया डूबते सूरज को अर्घ देकर परिवार के लिए मंगल कामना की और अब इस पर्व की समाप्ति उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देकर किया जाएगा, जिसके बाद इस महापर्व की समाप्ति होगी। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से शुरुआत होती है, जिसके अगले दिन खरना और अस्ताचलगामी को अर्घ और उदयाचलगामी अर्घ के साथ ही इस महापर्व की समाप्ति होती है। अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जिलाधिकारी कानपुर नगर की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जनपद कानपुर नगर में पराली ना जले इसके संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में जनपद कानपुर नगर में पराली ना जले यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए टीमें गठित की गई है, वह जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। बैठक के दौरान कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि जनपद कानपुर नगर में कड़ी निगरानी की जा रही है। विगत दिनों पराली जलाने वाले से 60,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया, 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि पराली को समस्त अस्थायी गोवंश केंद्रों में भेजा जाए, इसके लिए समस्त खंड विकास अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए और उनसे यह भी सूची ली जाए कि उनके द्वारा कितने किसानों से पराली ली गई। समस्त अस्थायी गोवंश केंद्रों में पशुओं को ठंड से बचाने की व्यवस्था करी जाए। समस्त न्याय पंचायतों में अस्थायी गोवंश केंद्र भूमि चिन्हित करते हुए बनाया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर, समस्त STM, समस्त खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से,
पिछले दिन बीते हुए प्रकाश पर्व दिवाली के शुभ अवसर पर सम्राट अतिथि गृह संसारा लीलापुर लालगंज प्रतापगढ़ में क्षेत्र के दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति पर दीपदान हुआ, पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। तत्पश्चात क्षेत्र के दिव्यांगों को पंचशील अंग वस्त्रम से सम्मानित किया गया तथा दिवाली के शुभ अवसर पर मिठाई, मोमबत्ती एवं मास्क तथा अन्य खाने के सामान दिए गए। वहीं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए अशोक कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा उत्तर प्रदेश ने कहा कि सभी लोग शांति से त्यौहार मनाएं, दीपदान करें। दिव्यांगों से अपील की, आप लोग नशा न करें, नशा शरीर को नाश करता है। आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपका हमेशा सम्मान होगा और हर समय सत्य की राह पर चलें, जिससे आपकी पहचान एक अच्छे इंसान के रूप में हो। क्योंकि जब तक आप सभी युवा लोग एक साथ होकर अपने अच्छे भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक एक शक्तिशाली भारत देश की मजबूत नींव नहीं बन सकती। यह दीप पर्व भी एक विजय को प्रदर्शित करता है। हमको आपको इससे बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। सम्मानित दिव्यांगों का नाम सत्यप्रकाश सिंह, रामचरण गौतम, मनोज सिंह, पवन मौर्य, सवारी धुरिया, सरजू धुरिया, पारस गौतम आदि इस अवसर पर सर्व श्री हरिनाथ मौर्य, विवेक कुशवाहा, राम कुमार गौतम आदि उपस्थित रहे। अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर डॉक्टर महेंद्र कुमार के द्वारा झकरकटी बस स्टैंड पर लगे निःशुल्क कोविड कैंप का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान SEM 2 अमित कुमार राठौर उपस्थित रहे। मौके पर दिल्ली से आने वाली यात्री बसों के यात्री अपना निःशुल्क कोविड परीक्षण करा रहे थे। उन्होंने ARM रोडवेज को निर्देशित करते हुए कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड की जांच कराने की लगातार उद्घोषणा की जा रही है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, दिल्ली से आने वाले यात्री की कोविड जांच स्क्रीनिंग अवश्य हो। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं। अब खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां छठ के पर्व पर शाम होते ही नदियों, पोखरों और तालाबों के छठ घाटों पर महिलाओं श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। व्रती महिलाएं घुटने भर पानी में खड़ा होकर डूबते भगवान भास्कर को प्रथम अर्घ दिया। रात भर शहर और देहात में छठ मैया के गीत गूंजते रहे। छठ व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह से ही तैयारी में लग गई। विविध प्रकार के पकवान बनाए गए, इसे एक बड़े पात्र में रखा गया। सुबह से ही निर्जल रहकर स्नानादि और श्रृंगार कर महिलाएं परिवार के लोगों के साथ छठ घाटों पर पहुंची। दीप प्रज्वलित कर छठ मैया की पूजा की गई। इसके बाद एक दीप गंगा मैया और एक दीप भगवान भास्कर को अर्पित किया गया। यह सब करने के बाद महिलाएं नदी, तालाब और पोखरों में कमर भर पानी में जाकर खड़ी हो गई। भगवान भास्कर के डूबने पर उन्हें अर्घ दिया गया। इसके बाद व्रती महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ घर लौट आई। सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह व्रत पूरा हो जाएगा। शहर के राप्ती नदी, राजघाट, सूरज कुंड, गोरखनाथ, भीम सरोवर, मानसरोवर, पोखरा, महेश्वरा घाट, झामू थान, मीरपुर राप्ती नदी सहित विभिन्न घाटों पर व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। यहां मेले जैसा दृश्य देखने को मिला। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सभी घाटों पर पुलिस बल की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाए रखें। सभी घाटों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। मंडलायुक्त, DIG, जिलाधिकारी, SSP, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, SDM सदर, तहसीलदार, नगर मजिस्ट्रेट, SDM सिटी, SDM प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, उत्तरी पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारीगण पल पल घाट पर नजर बनाए रखे। अखबार उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज काशीराम कॉलोनी कपली से बेटी बचाओ योगी जगाओ के नारे के साथ जागरूकता अभियान शुरू किया। जागरूकता रैली को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सामान्य बहन बेटियों के साथ साथ विकलांग बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार महिला उत्पीड़न की घटनाएं नहीं रोक पा रही है।
राष्ट्रीय विकलांग पार्टी महिला उत्पीड़न के विरोध में 28 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि बेटियां हिंदू हो, मुसलमान हो, ऊंची जाति की हो, नीची जाति की हो, बेटियां सिर्फ बेटियां होती है। योगी जी केवल धार्मिक उन्माद, जातिवाद, धर्मवाद, मंदिर मस्जिद, इसी में उनका पूरा कार्यालय खत्म होता जा रहा है, लेकिन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे। प्रदेश की जनता ने जो उम्मीद की थी कि उत्तर प्रदेश में एक योगी संत गद्दी पर बैठ रहे हैं, सबसे पहले बेटियां सुरक्षित होगी, लेकिन उनको बेटियों से ज्यादा गाय की चिंता है। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि समाज में जागरूकता अभियान चलाकर ही बहन बेटियों को उत्पीड़न व शोषण से मुक्त कराया जा सकता है। जिलाध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा कि आज से जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई, जिले में हर क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली जाएगी। आज क्या कार्यक्रम था? आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी बेटी बचाओ योगी जगाओ नारे के साथ जन जागरूकता रैली निकाल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां असुरक्षित हैं, सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आए दिन बलात्कार और महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं कर रखी है। जो भी वो योजना बनाती है उनकी सारी योजनाएं फेल हैं। जब बहन बेटियों को सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है, आए दिन बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, तो इस सरकार का मतलब क्या? ये सरकार फेल हो गई है। हम महिला उत्पीड़न के विरोध में 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के लोग, और बेटी बचाओ योगी जगाओ नारे के साथ हम ये अनुरोध करेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप अपने पद से त्याग पत्र दीजिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। अब खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से, जहां जिस पार्टी की सरकार हो उसी पार्टी के नेताओं को किसानों के लिए धरने पर बैठना पड़े तो सरकार के बड़े बड़े दावों का पोल खुलता है। गोंडा के विकास खंड रुपई जीह क्षेत्र के किसानों के धान की फसल क्रय केंद्रों पर न खरीदने से आक्रोशित भाजपा पदाधिकारियों ने ब्लॉक मुख्यालय पर किसान हल्ला बोल धरना प्रदर्शन करने के बाद लगभग एक घंटा गोंडा बरहाइच राजमार्ग भी जाम कर दिया, जिससे सड़क पर सैकड़ों वाहन फंसे रहे, जिसका समर्थन करने भाजपा विधायक बावन सिंह भी पहुंच गए। विधायक के कहने पर एसटीएम सीओ ने मौके पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लेकर जाम को खुलवाया और दो दिन बाद किसानों का धान सभी क्रय केंद्रों पर खरीदने का भी आश्वासन दिया। भाजपा नेता हरीश शुक्ला की अगुवाई में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों किसानों को लेकर ब्लॉक परिसर में दो ट्रोली धान लादकर साथ लाए और उसको भी धरना प्रदर्शन के समय खड़ा किए हुए थे। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा पदाधिकारियों धान किसानों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि किसानों को अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बिचौलिए के हाथ अपने धान की फसल बेचना पड़ रहा है। अगर सभी केंद्र धान खरीदना शुरू नहीं किए तो किसानों का जन आंदोलन चलेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सभी क्रय केंद्र से कहीं भी नहीं जाएंगे वाले खरीद संबंधित। सर, रुपई डी में धरना प्रदर्शन हुआ तो यहाँ पे आज खरीद आपने चालू करवा दिया है, लेकिन और भी ब्लॉक में यही स्थिति है। सर ये बताइए कि सर बीजेपी की सरकार होने के बाद उनके विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार काम नहीं कर रही है? अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा के थाना कमला नगर की पॉश कॉलोनी कावेरी कुंज में शुक्रवार को दिन दहाड़े महिला चिकित्सक डॉक्टर निशा सिंगल की उनके कोठी में ही चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। उनके दोनों बच्चों के गले पर भी चाकू के वार किए गए। बच्चों ने बेहोशी का नाटक कर अपनी जान बचाई।
उनको मरा समझकर हत्यारोपी लूटपाट कर फरार हो गया। दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कमलानगर क्षेत्र की कावेरी कुंज कॉलोनी में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अजय सिंगल की कोठी है। वह दिल्ली गेट स्थित रवि हॉस्पिटल में बैठते हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर निशा सिंगल 38 वर्ष का कोठी में ही क्लिनिक है। शुक्रवार शाम वह घर में बेटी अनीशा 8 वर्ष और बेटा अद्वय 4 वर्ष के साथ थी। तीसरी पहर करीब 5 बजे डॉक्टर संजय घर पर पहुंचे तो भूतल पर स्थित ड्राइंग रूम में पत्नी को खून से लथपथ देख उनके होश उड़ गए। चाकू से उनका गला रेता गया था। शरीर पर भी घाव थे। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर अजय को अपने दोनों बच्चों की चिंता हुई। ऊपर के कैमरे में दोनों बच्चे सहमे हुए मिले। उनके गले पर भी चाकू के निशान थे। बेटी के गले में गहरा घाव था जबकि बेटे के सिर्फ खरोंच थी। डॉक्टर अजय तीनों को लेकर रवि हॉस्पिटल गए जहां पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया। बच्चों का उपचार किया जा रहा है। पुलिस को देर रात करीब 11:30 बजे कालीदी विहार 100 फुटार रोड पर बाइक पर एक संदिग्ध के जाने की सूचना मिली। घेराबंदी पर बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के जवाबी फायरिंग में बाइक सवार के दाहिने पैर में गोली लग गई। वह गिर गया। पूछताछ में उसने अपना नाम शुभम पाठक पुत्र हरिओम पाठक एतमादोल्ला बताया। उसके पास से लेडीज बैग मिला जिसमें 24,003 कंगन और एक घड़ी मिली है। वहीं IGS सतीश गणेश ने बताया कि मुठभेड़ में घायल शुभम पाठक ने कमलानगर में महिला चिकित्सक की हत्या करना स्वीकार किया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से मिले बैग में नकदी जेवरात भी बरामद हुए। कल शाम को एक कमलानगर थाना क्षेत्र में एक महिला दंत चिकित्सक की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद जो है SP City और ASP साहब और जो बाकी सर्किल का फोर्स है उनकी टीम लगाई गई थी घटना के अनावरण हेतु। आज ये जानकारी मिली है कि थाना एतमादौला क्षेत्र में जो सस्पेक्ट था उसकी एक बाइक का नंबर हम लोग को पुलिस को कुछ छानबीन से पता चला था। उस बाइक की तलाश की जा रही थी तो अचानक एक पर्टिकुलर निर्जन स्थान पर बाइक से जाते वक्त पुलिस की पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पे फायर किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में जब बदमाश को रोकना चाहा तो बदमाश के संभवतः पैर पे गोली लगी है। जैसा कि मुझे टीम ने बताया है कि बदमाश को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। मौके पे अभी एक बैग भी मिला है। फील्ड यूनिट को यहाँ पे तलब किया गया है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुँचेगी, सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करेगी। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि ये शुभम नाम का जो व्यक्ति है जिसने एम्बुलेंस में जाते वक्त अपना परिचय दिया है उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है। बाकी जो विधिक कार्रवाई है जैसे कि थाने में जो मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, जो मृतका है उसका पंचायतनामा भर के उसका PM रिपोर्ट PM की कार्रवाई होगी, ये सारी चीज़ें विधि अनुसार कराई जा रही है। और प्रथम दृष्टा ये प्रतीत हो रहा है कि इस घटना में इसका पूरा इसी का इन्वॉल्वमेंट था। बाकी जो DVR से जो बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस है वो कार्रवाई हम लोग की अभी लगातार जारी है। अब खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से। चंदौली अलीनगर थाना क्षेत्र के रेमा गांव में बीते 16 नवंबर को दो पक्षों में हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल पवन कुमार की मौत गुरुवार की देर रात ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को गांव में शव पहुंचते ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों संग गौदना हाईवे चौराहे के पास करीब 1.25 घंटे तक नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे SDM सीपू गिरी के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। इस दौरान करीब 1 घंटे तक NH2 पर आवागमन बाधित रहा। दरअसल रेमा गांव में बीते 16 नवंबर को दो पक्षों में कहासुनी के बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके उपरांत मारपीट होने लगी जिसमें एक पक्ष के लोगों ने पवन समेत उसके परिवार के 4 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। इसमें गंभीर रूप से घायल पवन कुमार का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था जहां गुरुवार की देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद घर पर शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
अलीनगर पुलिस ने मृतक पवन की मां मीना देवी की तरहीर पर दूसरे पक्ष के दिनेश अखिलेश क्रांति पंकज बबलू व कांता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन किसी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसी के विरोध में परिजन आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों संघ गोदना हाईवे चौराहे के पास नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम सीपू गिरी के 48 घंटे में आरोपितों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ, साथ ही अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक मदद भी दी। क्या नाम आपका? मीना देवी आशा है, ब्लॉक के कर्मचारी। क्या हुआ था, क्या बच्चे मेरा पढ़कर गया घर से, पढ़कर गया वहाँ, वो लोग खेल कूद कर रहे थे, बच्चे का मेरे कागज आया था कोई नौकरी का, वो लोग पैसा वैसा मांग रहे थे खेलने के लिए खिलाने के लिए, तो बच्चा बोला कि हम नहीं खेलेंगे ना तुमको पैसा देंगे। उन्होंने बोला कि भोसड़ी वाले यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा कि क्यों गाली दे रहे हो हमारे को, हम नहीं खेलेंगे। इसी पर एक दफ़े उनको चार लोग मिलकर मार दिए। वहाँ से बच्चा आया घर पर, जब बच्चा घर पर आया तो फिर यहाँ से जिद में उछलता हुआ चला गया। वहाँ अपने बच्चे को हम सबको घर वापस करके हम उसके दरवाजे पर पूछने के लिए गए थे कि आखिर क्या हुआ था। उन्होंने मुझे बताया नहीं। आज हम पीछे घूम गए तो हमें मार कर गिरा दिया। आज जब मेरा बच्चा गया मुझे लेने के लिए, तब बच्चे के ऊपर 8-8 लाठियां बरसी। उसके बाद टांगा लेकर लोग बच्चे को काटे हैं। छोटा लड़का जब पीठ पर लेट गया तो उसको लोग दोबारा टांगे चलाए हैं, आज तक चोट है। लेकिन हमारी जो FIR पुलिस प्रशासन को हमने गया देने के लिए, हमने पूरी अपना कार्रवाई के साथ उनको FIR किया। 16 तारीख का केस है, आज 20 तारीख है। 20 तारीख में कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई, कोई काम नहीं हुआ है। आज मेरा बच्चा पोस्टमार्टम से आया है, तब पर भी पुलिस प्रशासन को कुछ दर्द नहीं आ रही है। 5 लाख रुपए का डिमांड बनाकर पुलिस प्रशासन बैठी है। हम चाहते हैं कि मुलजिम गिरफ्तार हो, जैसे मेरे बच्चों को मारा है वैसे प्रशासन उसको मार कर गिराए। हम यही हमारी अगर प्रशासन से नहीं होता है तो हमें सौंप दे। हमें कौन लोग हैं जो ये घटना काम किए हैं? हमको उस मुलजिम को फांसी की सजा चाहिए। दिनेश, ठीक है रुक। बाप का नाम कांता, अखिलेश बाप का नाम कांता, सियोरी सियोरी कांता बाप का नाम स्वर्गीय देवनाथ, क्रांति बाप का नाम सिहोरी, पंकज बाप का नाम सिहोरी, विकास बाप का नाम सिहोरी, बबलू स्वर्गीय जालंधर, इतने लोग बच्चे को, दिनेश पहली लाठी दिनेश का लगा है, दिनेश बाप का नाम कांता। सर उतने पर भी बोल रहे हैं सबकी मारने से पेट नहीं भरा है, उतने पर भी बोल रहे हैं सब। बोलिए बोलो ना, का दिक्कत है? जमीन उसका बिछवा कर पैसा लिए है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी, क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या रहा, कैसे विवाद हुआ और क्या घटना पूरा हुआ? घटना का एक कारण है कि दोनों लोग मोहल्ले के हैं और दोनों लोग मतलब बगल के ही रहने वाले हैं, स्वजाति हैं दोनों लोग, और पहले से जुआ में विवाद हुआ था, जुआ चली रहा था, विवाद हुआ था जुआ में, और विवाद दूसरे से हुआ था। जो लड़का का चोट लगी है वो न जुआ खेलता है न उससे कोई मतलब था, लेकिन वो उस रास्ते से जा रहा था। अब ये लोग अपना लाठी डंडा लेकर के खड़े थे, अब उसी में उसके पैर पर चोट आ गई लाठी से। तो वो कहा कि वो ननिहाल में रहता है, तो वो कहा कि अरे मामा जी हमारे पैर पे क्यों लग रहा है, हमको क्यों मार रहे हैं? तब तक वो लोग जो है उग्र हो करके उसको अपना इसको मार दिए कि तुम मेरे ही दरवाजे बोलोगे हमारे खिलाफ। अब जब मार दिए तो उसको फिर मारते, तब तक उन लोग मारने वाले घर में से टांगी होंगी भी ले करके उसके सर पे, टांगी पे, सीने पे, पीठ पे, उसकी माँ आई उसको मार दिए, उसके मतलब मामा को मार दिए, उसके भाई को मार दिए,
नानी को भी मार दिए, नाना को भी मार दिए, मतलब इतना मार मारे कि 4-5 लोग चोटिल हो गए, एक लोग का हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो लड़का पूरा कोमा में चला गया। जब बहुत शोर हुआ, जब पूरे मोहल्ले के लोग दौड़े, तब जो है कि वो किसी तरह बचे, फिर ये लोग डायल 100 को बुलाए, फिर पुलिस आई, तब तक जो है ये लोग ले करके गए पीपी सेंटर महिला मुगलसरा, फिर वहाँ से वो लोग हालत उसकी नाजुक देखे, तब उसके बाद वहाँ से हमारे पुलिस अलीनगर पुलिस भी पहुँच गई, ये सभी लोगों के मदद से वो ट्रामा सेंटर ले गया। ट्रामा सेंटर ले जाने के बाद उसकी हालत बहुत ही नाजुक चली गई, कोमा से फिर बाहर नहीं आया, और उसके बाद कल शाम को वो इस्पार कर गया, दुनिया छोड़ के चला गया। तो उसके बाद जब वो लोग डेड बॉडी पोस्टमार्टम करा कर जब घर लेकर आए, तब देखे कि इन लोगों को कहीं से न कहीं से धमकियाँ भी मिल रही थी कि अभी हमारा पेट नहीं भरा है, अभी और मारेंगे। तब ये सब पूरा परिवार भयभीत हो गया। भयभीत होने के बाद सब जब पूरे हित नात इनके इकट्ठा हो गए, तब ये लोग अपने न्याय के लिए वहाँ से डेड बॉडी लेकर के आ करके यहाँ पे लोग धरने पे बैठे। क्या आश्वासन मिला? हम लोगों को SDM साहब द्वारा आश्वासन मिला है, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, 24-48 घंटे के अंदर सारे मुलजिम को पकड़ लिया जाएगा, और जितना लाभ होगा सरकारी वो आपको दिला जाएगा, उसको सजा दिलाई जाएगी। 16 तारीख की घटना थी, उम्र करीब 23 वर्ष की लड़के की, नाम पवन था, उसकी मृत्यु हो गई थी। आज ट्रॉमा सेंटर से आए थे, लोगों की मांग ये थी कि जांच निष्पक्ष हो, ठीक है, त्वरित न्याय मिले, गिरफ्तारी जल्दी से हो। परिवार को समझा बुझा करके आश्वासन दिया गया है कि जो भी उनकी मदद हो सकती है कि कराएंगे, और सरकारी नियम से जो भी होगा कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू उनको न्याय दिलाया जाएगा। तो लोग परिवार वाले आश्वस्त रहें और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे। वहीं चंदौली में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के रोकथाम हेतु मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर कुंवर प्रभास सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी लक्ष्मण पर्वत थाना सैदराज झा द्वारा आज विश्व बाल दिवस के रूप में महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं थाना प्रभारी श्रेया रानी व वैष्णव अग्रहरी द्वारा मार्केट में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के निर्देश भी दिए गए, और बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क वितरित कर COVID-19 के मानकों का निर्देश भी दिया गया। उसके बाद लोगों की फरियाद सुनकर उनका त्वरित निस्तारण करने का कार्य किया। एक दिन की बनी थाना प्रभारी श्रेया रानी का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।